भारतीय जैन संघटनेच्या वतीने आयोजित केलेली स्मार्ट गर्लच्या प्रशिक्षकाची राष्ट्रीय पातळीवरील परिषद रविवारी वर्धापन प्रतिष्ठान येथे संपन्न झाली. परिषदेला देशभरातून 135 स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षक आणि स्मार्ट गर्ल राज्यप्रमुख उपस्थित होते. किशोर वयातल्या मुलींनी आनंदी जीवन जगण्याची क्षमता वाढवून त्यांना सक्षम करणे हा स्मार्ट गर्ल या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. महिला सक्षमीसाठी त्यांच्या समस्यांवर मात करून त्यांचा मानसिक आणि भावनिक विकास करण्यासाठी भारतीय जैन संघटनेने 2008 स्मार्ट गर्ल या उपक्रमाची सुरुवात केली. यावेळी बोलताना स्मार्ट गर्ल प्रकल्प प्रमुख भारती चौहान म्हणाल्या, आजपर्यंत संस्थेच्या प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून समाजातील 50,000 अधिक मुलींचे विना मोबदला प्रशिक्षण देऊन सक्षमीकरण करण्यात आलंय. जैन संघटन हे नॅशनल लेवल के ऑर्गनायझेशन आहे और पिछले 35 ईयर से सोशल फील्ड में काम कर रही है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स में काम करती है, सोशल फील्ड में काम करती है. हमने 2007 में ये जो 16 साल से 25 साल तक की जो लड़कियां होती हैं, जिनको जो अभी हम हैदराबाद की केसेस देखते हैं, दिल्ली की निर्भया की केस देखते हैं, ये जो लड़कियों में उनको एम्पावर करने का काम, उनमें कॉन्फिडेंस भरने का काम, और कोई भी हालत में वो लड़कियाँ किसी के बहकावे में नहीं आएगी और खुद का अच्छा लाइफ बना सकती है. इस तरह का स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम जो उनको सेल्फ एस्टीम में रख सकता है, जो उनको सेल्फ अवेयर करा सकता है, जो उनको हर चीज़ से बचा सकता है, इस तरह का प्रोग्राम हम लोगों ने 2007 में तैयार किया था. जैन समाज की हर लड़की के पास वो प्रोग्राम पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं. पिछले 10 साल से ये कोशिश जारी है. अभी यहाँ फिलहाल आज पुणे में भारत के हमारे करीबन 150 मास्टर ट्रेनर्स आ चुके हैं और वो आज एक दिन भर उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा है. और ये विशनरी एक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति दूर की सोचता है, बट शांतिलाल जी मोथा इज बियॉन्ड विशनरी. इतना दूर की कोई नहीं सोच सकता. आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हम बात करते हैं, लेकिन उस सशक्तिकरण में जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बेटियों को आ रही हैं, उसको 20 साल पहले सोचकर उसका सल्यूशन निकाला और घर घर तक उस सल्यूशन को पहुंचाने की पूरी कोशिश की. जब हम ग्राउंड लेवल पे ये लेके जाते हैं इस प्रोग्राम को, बेटियां हमारे साथ अपने जब एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, तो जैसे ही ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है, जैसे ही ये 2 दिन का प्रोग्राम ख़त्म होता है, हम लोग को जो फीडबैक मिलता है, तब पता चलता है कि कितना इफ़ेक्टिव ये प्रोग्राम है. हर माता पिता रोते हुए बिलखते हुए अपने बच्चों को पकड़ के जाते हैं वहाँ से, और आफ्टर द प्रोग्राम भी बच्चे हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं. हम क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिहेवियरल चेंज है. आज जो गैप फैमिली के बीच में आ गया है मीडिया के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते, या काफ़ी कह सकते हैं कि हम लोग अपने आप से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, तो जो कम्युनिकेशन गैप या फैमिली के बीच में जहाँ थोड़ा सा गैप आता है, वहाँ तीसरा आदमी घुसने की कोशिश करता है और प्रॉब्लम तभी शुरू होती है. हम यहाँ पे सिर्फ उस गैप को ब्रिज करते हैं, बच्चों को अपने माता पिता से मिलवाते हैं, माता पिता को बच्चों से मिलवाते हैं. जब ये मिलन होता है, तब जो आनंद की घड़ियाँ हम देखते हैं, वो हमारा रिजल्ट है. और वो हमारे लिए वही हमारी इनकम है और वही हम पाने के लिए वहाँ जाते हैं. प्रतिनिधि सायली शिर्के सह आधार न्यूज पुणे. हा वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी वीडियो पाहण्यासाठी आधार न्यूज चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा.